अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रीम वाइट चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत टेस्टी बनती है, बहुत इजी रेसिपी है। बाकी कढ़ाइयों की निस्बत ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलें वाइट चिकन कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। वाइट चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने लिया है 2 किलो चिकन, इसे मैंने अच्छी तरह धो लिया था। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक हसबे ज़ायका, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च और 1 चम्मच मक्खन, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें मैंने कूट ली हैं, 1/2 किलो इसमें दही जाएगा, 2 क्रीम के पैकेट इसमें जाएंगे, 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीली में मैं ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल गरम होने के बाद इसमें मैं चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन को थोड़ा सा पका लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक थोड़ा वेट करेंगे और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, जैसे कि अब इसका कलर चेंज हो गया है, तो इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब तेज़ आंच पे इसे मैं 5 मिनट के लिए पका लूँगी। ये अच्छी तरह पक जाएगा, तब तक मैं दही में सारे मसाले शामिल कर लूँगी। कि मैंने दही में सब मसाले शामिल कर लिए, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं, अब इन सब मसालों को और दही को चिकन में शामिल कर दूँगी। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब तेज़ आंच पे इसे मज़ीद पकाएंगे कि इसका ये पानी खुश्क हो जाए और ये अच्छी तरह भुन जाए। ये देखिए चिकन भुनना शुरू हो गया है। 2 मिनट के लिए इसे दम देंगे और अब इसमें क्रीम शामिल करेंगे। ये दोनों पैकेट मैं इसमें शामिल कर दूंगी क्रीम के। ये एक पैकेट इसमें चला गया और ये दूसरा। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह आप इसे मिक्स कर लें। अब आप इसको ज़्यादा देर ना पकाइएगा वरना क्रीम फट जाएगी। ये पूरी चिकन कढ़ाई तेज़ आंच पर बनती है। अब जब चिकन पकना शुरू हो जाएगा तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। 3 अदद बस मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड करूंगी। और ये चिकन पकना शुरू हो गया है, अब मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी। इसे मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच मक्खन इसमें मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसमें मैं हरा धनिया ऐड करूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया मैं गार्निशिंग में ऐड कर दूँगी। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर दूंगी और चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। मैं इसे बाउल में निकाल लूंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये बहुत क्रीमी है। आप सब ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार बनती है। गरम गरम आप इसे सर्व कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। अब इस पर मैं गार्निशिंग करूँगी। बारीक कटी हुई अदरक मैंने इस पर गार्निश की है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया इस पे गार्निश कर दिया है। थोड़ी सी हरी मिर्ची इस पे गार्निश कर दें और थोड़ी सी क्रीम मैंने बचा के रखी थी, उसे मैं इस पे गार्निश कर दूंगी। ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। थोड़ा सा ऑयल जो बच गया था वो मैं इस पे ऐड कर दूंगी।
से थोड़ा सा और। और वाइट चिकन कढ़ाई तैयार है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आप सबको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।